Hello everyone, I'm Zahid Ashraf and today our topic is memo writing. Why we write memo? Basically for the purpose of communication, number one, to communicate our ideas, to communicate our information, to communicate what is in our mind. Number two, we discuss any problem, we discuss any issue, we discuss any thing with the employees. Number three, मेमो जो होता है आपका वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता. मसलन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं तो मेमो आपका उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. लेटर्स की अगर बात करें, लेटर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो मेमो आपका होगा वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा. और नेक्स्ट है, ये हमेशा अथॉरिटी में लिखा जाता है. अथॉरिटी में क्या होता है, सीईओ जो है एम्प्लॉयज़ को लिखेगा, डायरेक्टर जो है वो आगे एम्प्लॉयज़ को लिखेगा, असिस्टेंट मैनेजर एम्प्लॉय को लिखेगा. अच्छा, कोई असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को नहीं लिखेगा, कोई मैनेजर आपका सीईओ को नहीं लिख सकता. तो इसमें अथॉरिटी के अंदर लिखते हैं. अथॉरिटी में क्या होता है, सीईओ नीचे डायरेक्टर को, डायरेक्टर नीचे मैनेजर को, मैनेजर नीचे एम्प्लॉयज़ को. तो ये इसका हायरार्की और जो चेन ऑफ कमांड होती है. ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका फॉर्मेट. क्या राइटिंग के अंदर इसका फॉर्मेट क्या होता है? मेमो हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम. अच्छा, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है? सीईओ के ऑफिस है, सीईओ ऑफिस. अच्छा, एचआर से आ रहा है, एचआर डिपार्टमेंट. अच्छा, टू. अब टू के अंदर मेमो कभी भी इम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, मेमो हमेशा आपके डिपार्टमेंट वाइज आता है. फॉर एग्जांपल, इंग्लिश डिपार्टमेंट, मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट, सीएसआईडी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. अच्छा, सब है, ऑल डिपार्टमेंट करते हैं. ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स. अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, डिस्कशन ऑन. न्यू सॉफ्टवेयर. और लास्ट के अंदर इसका डेटेड. तो ये आपका जी मेमो का फॉर्मेट होता है, जो लेटर ईमेल एप्लीकेशन से टोटल डिफरेंट होता है. ये सारा आपका इस साइड पे होगा. नंबर वन फॉर्म, जो बंदा लिख रहा है. टू, जिसको आप लिख रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को एड्रेस करना है. थर्ड, सब्जेक्ट. और उसके बाद फिर आपका डेटेड. इसके बाद जो इसका आगे होगा वो सिंपल वन पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ. इसमें दो तीन चार पाँच पैराग्राफ्स नहीं होते. और जो मेमो आपका स्टार्ट होता है वो एक लाइन से होता है, वो हमेशा होता है द पर्पज़ ऑफ दिस मेमो इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग. तो सबसे पहली लाइन के अंदर हमने क्लियर करना होता है कि मैम हम क्यों लिख रहे हैं. जिस तरह लेटर में है, इट इज स्टेटेड दैट, एप्लीकेशन इट इज स्टेटेड दैट, ईमेल इट इज स्टेटेड दैट. तो मेमो में क्या लिखना पहली लाइन, द पर्पस ऑफ दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग ऑन सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग. अच्छा, आगे फिर 5 W's लास्ट में लिखे हैं, द मीटिंग विल बी हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस रूम. अच्छा जी, उसके बाद डेट बताएं, ऑन 31st May. अच्छा, फिर टाइम एट 12 PM या उसके अंदर 12 AM करना है आपको, जो भी उसके अंदर डेट है वो आप शेयर करना है. फिर आगे, काइंडली डिसिमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. तो इसमें क्या होता है, जब हम मेमो लिखते हैं तो मेमो में सबसे पहले द पर्पज़ ऑफ दिस मेमो, फिर उसके बाद अगर आपने मीटिंग का बताना है तो भाई मीटिंग क्यों हो रही है, उसका एजेंडा कहाँ पर हो रही है, किस टाइम पर हो रही है, किन लोगों के साथ हो रही है, और इस चीज़ को डिसिमिनेट. जस्ट अक्सर लिखा होता है द पर्पज ऑफ दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग विद द चेयरमैन, दैट्स इट. तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी. इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपके 5 W's है ही नहीं है. तो और जो दूसरा होता है मेमो, ये टू द पॉइंट रेलिवेंट ब्रीफ होता है. मेमो के अंदर हमने एक पेज, दो पेज, दस पेजेस के ऊपर वो पूरी तमहीद नहीं बांधनी होती. तो मेमो के ऊपर जस्ट आपका वन पैराग्राफ और टू द पॉइंट रेलिवेंट ब्रीफ 5 W's को एड्रेस करता है. एंड के ऊपर भी सिंपल आपके सिग्नेचर आ जाएगा. सिग्नेचर में वो वाला बंदा जो बेसिकली सीईओ है, तो हमें पता होता है जी सीईओ के सिग्नेचर ये वाले, तो नीचे सिंपल उसका सिग्नेचर आ जाएगा. तो दोबारा बताया तो फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेटेड, वन पैराग्राफ और नीचे फिर आपका सिग्नेचर आ जाएगा. तो ये था आज हमारा मेमो राइटिंग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट.